सबको पता है कि किस तरीके से पूरे बिहार में डीएपी को लेकर के हाहाकार मचा है, क्योंकि रबी फसल की बुआई होनी है और किसानों को डीएपी जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में केंद्र सरकार और बिहार सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। फिलहाल हमें बक्सर कलेक्ट्रेट में, और आपको बता दें कि बक्सर जिला में भी किसान परेशान है, उनको डीएपी नहीं मिल पा रही है। हालांकि डीएपी को लेकर के अहम बैठक की गई जिसमें जिलाधिकारी, डुमरांव के विधायक अजीत सिंह, कृषि पदाधिकारी एवं कई प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द डीएपी मंगाया जाएगा और फिर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। लेकिन इसी दौरान कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जो डीएपी हमारे जिले में आता है वो महिला तस्कर गायब कर देती है। अगर कृषि पदाधिकारी की माने तो उनका कहना है कि ऑटो से और गाड़ियों से भर भर महिलाएं आती है और ज़्यादा संख्या में डीएपी लेकर के इकट्ठा करती है, इसी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। और महिलाओं की बात है तो लोग निश्चित ही आती हैं, लोग पूरे शाहबाद का ही नहीं पूरे और जगह भी आ रहा है, इसमें ऐसी नहीं है। दिक्कत होता है कि जो यहाँ पर ज़्यादा खपत जो हो रही है डीएपी, जब हमने कहा कि टॉप ड्रेसिंग में भी किया जाता है तो उसे डीएपी पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है। रही खाद की आपकी बात, तो हमको सूचना प्राप्त हो गई है 2665 एमटी डीएपी, जो आपने सुना भी होगा कि अभी उर्वरक निगरानी समिति में हुई है, जो कल शाम तक या परसों प्राप्त हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि 15 तारीख तक और अन्य भी रह आने की सूचना है। किसान है वो ले रही है तो हम सक्रिय है तब तो ले रही है। किस एरिया की संतुष्ट है? एरिया वाइज नहीं है, सभी पूरा जिले की मैं बात बता रहा हूँ कि टेम्पो से आती हैं महिलाएं कुछ, और 2 बैग 3 बैग करके इकट्ठा करके और लेके चल जाती है। लेकिन एक पहली बार देखा गया है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं, खाद प्राप्त कर रही हैं। अपील हम यही कहेंगे कि पैनिक नहीं हो, आप लोग के माध्यम से सभी किसानों कहेंगे कि थोड़ी विलम्ब हुई है, कोई दूसरा इशू था, लेकिन वर्तमान में अब 2 दिन के अंदर में जब हमारी रैक लगातार आने की सूचना है तो अब काफ़ी मात्रा में जो हमारी डिमांड है और वो मिल जाएगी, हमको कहीं पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका डुमरांव विधायक ने विरोध किया, उनका कहना था कि महिलाएं भी किसान होती हैं और तस्करी नहीं कर सकती है। उसके बावजूद भी जिला कृषि पदाधिकारी इस बात पर अड़े रहे कि कई महिलाएं जो है जो तस्करी करती है डीएपी को इकट्ठा करती है और बाद में ब्लैक मार्केटिंग करती है। नहीं, मैंने तो आपत्ति की आपके सामने, आप लोगों के सामने हमने इस बात पर आपत्ति की और हमने कहा कि क्या आप महिलाओं को किसान नहीं मानते? महिलाएं भी किसान होती हैं, है ना। अरे माननीय मुख्यमंत्री ने तो किसान माता की उपाधि दिया था एक महिला को इसी बिहार के अंदर, आप लोग जानते हैं। तो महिलाएं किसान होती हैं, महिलाओं को किसान के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये कहना बिल्कुल ही उचित नहीं है कि महिलाएं तस्करी करती हैं। नकली खाद मिल रहा है? बिल्कुल, अभी हमें खबर मिला, किसानों ने ही फ़ोन करके हमें बताया कि उत्तर प्रदेश से खाद आ रहा है, ब्लैकमेल तो हो ही रहा है, ज़्यादा पैसा तो लिया जा रहा है, उसमें कालाबाजारी और खाद में बहुत तरह की समस्या है। तो हमने अभी बात कहा डीएम से, उसकी जांच करवाई, जांच करवाने का आदेश भी हो गया है, अब देखिए क्या होता है आगे जांच। और डुमरांव विधायक का कहना है कि महिलाएं भी किसान होती है, वो तस्करी नहीं कर रही है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जिले में पूरे 7500 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है, लेकिन उसके बरक्स मात्र 3200 मीट्रिक टन ही उपलब्ध है। तो समस्या होनी लाजिमी है, सरकारें जो है वो डीएपी नहीं भेज रही है, प्रशासन के पास डीएपी नहीं है, तो प्रॉपर चैनल वे से बांटा नहीं जा रहा है। इसीलिए जो लोग बिहार के लोग हैं, खास करके जो बक्सर के लोग हैं, बक्सर से सटा जो यूपी का एरिया है, जो बलिया है, जो गाजीपुर है, वहां से डीएपी आता है। और विधायक का यह भी कहना है कि वहां पे जो डीएपी मिलता है वो मिलावटी मिलता है, तो कहीं ना कहीं किसान मारा जा रहा है और किसानों को तस्कर कहा जा रहा है।